उधर यूपी में दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अब करीब 60,000 फ्रंटलाइनर्स को ये टीका लगाया जाएगा और उससे थोड़ी देर बाद सीएम योगी भी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन पर वो सारी अपडेट लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्य ये कि कोरोना वैक्सीनेशन में पूरे देश में अव्वल नंबर पर इस वक्त यूपी है। टीकाकरण जो पूरे देश भर में चल रहा है उसमें यूपी का डेटा सबसे अव्वल है। दूसरे चरण में हेल्थ वर्कर्स के बाद अब पुलिस कर्मियों, सेंट्रल फोर्स के जवान, नगर निगम के सफाई कर्मी, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। शैलेश के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, यूपी अव्वल है डेटा के हिसाब से यदि देखा जाए तो पूरे देश में जो टीकाकरण अभियान चल रहा है तो उत्तर प्रदेश का स्थान इस वक्त नंबर वन है। दूसरे चरण में जिन वर्कर्स को या जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जानी है उसकी तैयारी भी आपने दिखाई कि कितनी पुख्ता तैयारी प्रशासन ने की है, लेकिन अभी तक सुबह से यदि कोई डेटा आया है तो क्या उस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेट अभी तक किया जा चुका है? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और आज फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब से कुछ मिनट पहले ही लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने भी वैक्सीन लगवाई है। हम इस समय कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, यहाँ पर भी वैक्सीन के लिए देखिए बूथ बनाए गए हैं। जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बूथ पर, इसी वैक्सीनेशन साइट पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने लगभग 10 मिनट पहले वैक्सीन लगवाई थी। वो यहाँ पर आए, सबसे पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ पर वैक्सीन लगवाई। और आप देख सकते हैं अभी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस समय जिला प्रशासन के कुछ और अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी अभी वैक्सीन लगवाई है। जब हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो ये लोग दूसरों को वैक्सीन लगवा रहे थे, वहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन आज खुद ये लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करेंगे जिन्होंने अभी वैक्सीन लगवाई है। सर, अपना परिचय दें पहले। संतोष कुमार, ACM2, यहीं लखनऊ में। संतोष कुमार, ACM2 लखनऊ। संतोष जी, जानना चाहेंगे जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो आप लोग कमान संभाले थे कि अच्छे से सब होता रहे, आज आप लोग का भी नंबर आ गया? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने पहले राउंड में मेडिकल और पैरामेडिकल के लगा, उसके बाद सेकेंड में हम लोग का आया फ्रंट लाइन, और हम लोग को अच्छा लग रहा है। हम लोग खुद आज लगवा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग भी मैसेज देना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने से आगे हम लोग अगर कवर कर लेंगे सभी लोगों को तो ये जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई थी, समस्या, इसका निवारण जल्दी हो पाए। कोई संशय की स्थिति थी या उत्साह था आने के लिए? उत्साह है आने के लिए, सब लोग आ रहे हैं, सारे लोग। आप देख सकते हैं इन्हें कार्ड दिया गया है जिस पर आगे की तारीख यानी अगली डोज कब लगेगी इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए लगातार एक के बाद एक बाकी जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। और अधिकारियों के आगे आने के पीछे एक मकसद ये भी है, एक संदेश देना कि बाकी जो लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन के लिए खुद आगे आएं। आपको ले चलते हैं इस समय, हमने अभी बताया जैसा कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने जब आज वैक्सीन लगवाई उसके बाद अब वो इस समय ऑब्जर्वेशन पीरियड जो उनका चल रहा है उसमें है, ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद है इस रूम के अंदर। और आप देख सकते हैं हम वहाँ पे चलेंगे सीधे और डीएम अभिषेक प्रकाश से बात भी करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, अपना अनुभव किस तरह से बताना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तो काफी उत्साह जो है यहाँ पर दिख रहा है।